हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर व्हिच इज ऑपरेटेड ऑन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस और इट्स इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द एंडो ऑस्मोसिस बाय डीपीएम। दैट इज एक ऐसा प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पर लगता है जब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन को प्योर वाटर और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से एक डीपीएम के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। दैट इज ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आने वाले वाटर को रोक देता है, दैट इज सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने से रोक देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्योर वाटर का हमेशा जीरो होता है, वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगी ऑस्मोसिस उतना ही ज्यादा होगा। अगर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है उसमें जितनी ज्यादा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उतनी ही ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। दैट इज ऑस्मोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की जितनी ज्यादा मात्रा प्रेजेंट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर उतना ही ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा लीव्स में होता है, लीव्स की मेसोफिल सेल्स में होता है। पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किस में होता है? लीव्स में होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हेलोफाइट्स में होता है, जो स्पेशल टाइप के जीरोफाइट्स होते हैं। उसके बाद उससे कम ऑस्मोटिक प्रेशर जीरोफाइट्स में होता है, उससे कम मेसोफाइट्स में, सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोफाइट में होता है। दैट इज हेलोफाइट में सबसे ज्यादा, हाइड्रोफाइट्स में सबसे कम। ऑस्मोटिक प्रेशर नून में हाई होता है, जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है सनलाइट की इंटेंसिटी में, उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होता है और नाइट में इसके अपोजिट सबसे कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसका नाम होता है ऑस्मोमीटर, जिसको सबसे पहले फिफर ने बनाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से नापते हैं और फार्मूला जो है वॉन्ट हॉफ का, मेजरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इज एमआरटी। मतलब एम इज इक्वल टू क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। आर क्या है? यहाँ पर गैस कांस्टेंट 0.82 कांस्टेंट मोल पर मॉलिक्यूल, और टी है ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो MRTI होता है, जिसमें आई इसमें आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट है। इसीलिए इस आई के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। दैट इज अगर कंपैरिजन की बात करी जाए कि सेम कंसंट्रेशन में, जैसे 1 mg ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा 1 mg सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए। इसके बाद जो ऑस्मोसिस है उसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है उसमें दो प्रोसेस यूज होते हैं। जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इम्बिबिशन और नंबर सेकंड होता है एंडोस्मोसिस, जो हम आगे पढ़ने जाएंगे कि जब रूट हेयर से वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, इसमें सेल वाल में दो लेयर होती हैं, आउटर पैक्टिक लेयर और इनर सेल्यूलोजिक लेयर। इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेल्स हैं। जो पहली बार पानी जब इसके बाहर कैपिलरी वाटर इसके अंदर एंटर करता है रूट्स में, रूट हेयर से, तो पहला प्रोसेस इम्बिबिशन होता है, क्योंकि कोलाइड रिच पार्टिकल्स के द्वारा वाटर का एडसॉर्प्शन होता है। तो पहला स्टेप होता है यहाँ पर एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब इम्बिबिशन।
लेकिन पानी यहाँ से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर पहुंचेगा, इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ओके, एंडोस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर वाटर का मूव करना। इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल्स की, इसलिए पानी यहाँ से ज़्यादा। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, पहला इम्बिबिशन जो हम आगे पढ़ेंगे, दूसरा एंडोस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। तो जो एब्सॉर्प्शन है वाटर का, वो रूट से सेल्स के अंदर आना, रूट सेल के अंदर आना बाहर से, वो दो प्रोसेस पर निर्भर करता है, इम्बिबिशन और नंबर टू ऑस्मोसिस। सेकेंड वन, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। अगर हम रूट सेल की स्ट्रक्चर पढ़ें रूट्स की, तो यहां पर रूट हेयर्स होते हैं, ये एपिब्लेमा है, यहां पर कॉर्टिकल सेल्स हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स। अब यहां पर जो सेल्स हैं, जब पानी यहां पर आया, तो पानी यहां आने के बाद जब पानी इसमें आ गया, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया इसके कंपैरिजन में। तो अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी यहां आया, अब ये वाला पानी आने से सॉल्ट इसमें सेम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया इसके कंपैरिजन में, पानी इसमें यहां से आ गया। फिर ऐसे ही ए सेल से बी सेल, बी सेल से सी सेल एंड डी सेल। तो पानी का जो अंदर आना होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की ओर आना होता है, वो किसके द्वारा आता है, ऑस्मोसिस से आता है। ट्रांसपायरेशन जब हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए दो स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स होती है, उन गार्ड सेल्स के कारण ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो गार्ड सेल जब टर्जिड होती है तो जब स्टोमेटा खुलते हैं, जब फ्लैसिड होती है तो बंद होते हैं। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा, उसके लिए वाटर का जो टर्जिडिटी कंडीशन आनी है, ये जो वाटर का अंदर आना है वो ऑस्मोसिस से होता है, ऑस्मोसिस के कारण ही वहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। फोर्थ, सीज़मोनेस्टिंग मूवमेंट जो होता है मिमोसा प्यूडिका में, वो भी टर्गर प्रेशर में चेंज के कारण होता है, और टर्गर प्रेशर में चेंज होता है वाटर के अंदर आने से। तो सीज़मोनेस्टिंग मूवमेंट जो है मिमोसा प्यूडिका का, उसमें भी ऑस्मोसिस यूज होता है, उसमें भी टर्गर प्रेशर का चेंज होता है। रेजिस्टेंट पावर, अब प्लांट्स को जो रेजिस्टेंट पावर मिलती है हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के कारण, वो ड्राई कंडीशन में भी उनको सर्वाइव करने में और उनको लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म बहुत लो टेम्परेचर में रहते हैं, जो एनिमल्स लो टेम्परेचर रहते हैं, तो वो कुछ सब्सटेंस जैसे गिल्सिन या और अन्य सब्सटेंस अपने अंदर स्टोर करते हैं, जिससे उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए और उनको लो टेम्परेचर में या ड्राई क्लाइमेट में उनको रेजिस्टेंट पावर मिल जाए, जिससे वो वहाँ आसानी से अपने आप को अडाप्ट कर पाए। तो आज हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, जिसको हम दोबारा से हल्का सा रिवाइज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर जो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगता है जब उसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से या प्योर वाटर से डीपीएम के थ्रू सेपरेट करते हैं, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर के कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के लगने के कारण, जिस प्रेशर से वो ऑस्मोसिस को रोक दे, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को जब डीपीएम के थ्रू प्योर वाटर से या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से सेपरेट करने पर लगता है, और जो लगने के बाद ऑस्मोसिस को रोक दे या उसका वॉल्यूम बढ़ने से रोक दे, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का हमेशा जीरो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर लीव्स में होता है, मेसोफिल सेल्स में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर हेलोफाइट्स में होता है, सबसे कम हाइड्रोफाइट्स में होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर नून में हाई होता है और नाइट में कम होता है, मेजर किया था ऑस्मोमीटर से जिसे पिफर ने बनाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से मेजर करते हैं। वॉन्टॉफ का जो फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ओ पी इज इक्वल टू एम आर टी है, जिसमें एम मोलर कंसंट्रेशन है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो फॉर्मूला है ओ पी इज इक्वल टू होता है एम आर टी आई, जिसमें आई आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट है। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स का सेम कंसंट्रेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है। दैट इज, अगर हम कंपेरिजन करें 1 mNaCl की और 1 mGl की, तो 1 mNaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 mGl से ज़्यादा होगा। फंक्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है प्लांट्स में, वो
ऑस्मोसिस से और इम्बिबिशन से होता है। नंबर टू, कंडक्शन ऑफ वाटर एक सेल से दूसरी सेल में, वो ऑस्मोसिस के हेल्प से होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें वाटर के अंदर आने से ऑस्मोसिस के कारण से क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। सीजमोनास्टिक मूवमेंट जो होता है मिमोसा प्यूटिका में, वाटर का प्रेशर चेंज से होता है जो पानी के अंदर आने से होता है, और जो हायर कंसंट्रेशन होती है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट, या जो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से, सॉल्यूट्स के ज़्यादा होने से ड्राई क्लाइमेट में और लो टेम्परेचर में प्लांट्स को रेजिस्टेंट प्राप्त होता है, ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्टेंट प्राप्त होता है।